भोपाल सीहोर लोकसभा के सोशल मीडिया पदाधिकारियों की बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखी गई। बैठक में आलोक शर्मा, सुमित पचौरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और बोले कि कांग्रेस अब देश में बची नहीं है, जनता मोदी के साथ है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसको भोपाल सांसद प्रत्याशी आलोक शर्मा एवं भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने संबोधित किया। बैठक में सोशल मीडिया किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसकी समीक्षा भी की गई। सोशल मीडिया पर आम जनता की राय मांगी गई। भोपाल प्रत्याशी आलोक शर्मा ने कहा कि कांग्रेस निराशा और हताशा से गुजर रही है, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि कांग्रेस कोई भी अभियान चला ले, वो अब देश में बची नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार किस प्रकार से जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, भोपाल में जो विकास के काम हुए हैं उसको लेकर व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी सक्रिय भूमिका किस प्रकार से रहे, इसके टिप्स दिए हैं और कई सुझाव भी आए हैं और उन सुझावों को भी हमने गंभीरता के साथ लिया है। निश्चित रूप से आज की बैठक में जो मंथन हुआ है, निश्चित रूप से इसमें से जो अमृत निकलेगा आगामी लोकसभा चुनाव में, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस तो हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, जनता सब जानती है, पूरा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आज सोशल मीडिया विभाग के हमारे भोपाल के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, मैं तब भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो लगातार संगठनात्मक गतिविधि, संगठन के विचार को, संगठन के कंटेंट को नीचे तक पहुँचाएं और आने वाले चुनाव में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए मैं उनसे संगठनात्मक चर्चा करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।